Let's do question number 2 of exercise 3G, that is factorization of polynomial. Question number 2 is x minus y minus z, x square plus y square plus z square plus xy minus yz plus zx. Right friends, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, a plus b plus c और a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca. Right friends, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a is x plus b होता था लेकिन यहाँ minus का y है तो इसको minus y bracket में लिखेंगे, प्लस का सी होता था लेकिन माइनस जेड है तो माइनस जेड को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे. राइट फ्रेंड्स, अब जो यहाँ ए है वही यहाँ बी होना चाहिए और वही ये यहाँ पे सी होना चाहिए. तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये देखिए अगर आप खोलेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी. माइनस जेड का पावर इवन में है तो प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा. माइनस ए बी माइनस माइनस वाई इंटू माइनस जेड माइनस माइनस जेड इंटू एक्स. राइट फ्रेंड्स, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का. राइट फ्रेंड्स, तो ए क्या हुआ हमारा एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई का होल क्यूब प्लस माइनस जेड का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू बी, बी माइनस वाई है तो बी की जगह माइनस वाई, सी की जगह माइनस जेड. राइट फ्रेंड्स, तो ये क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस, ये ऑड है पावर तो मान नेगेटिव ही आएगी वैल्यू, प्लस जेड भी नेगेटिव आएगा. राइट फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स वाई जेड. राइट, अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये आगे एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.